राजधानी भोपाल में कर्णी सैनिकों का 4 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था। अपनी 21 सूत्रीय मांग को लेकर हजारों कर्णी सैनिक रविवार को जम्बूरी मैदान पर जुटे थे, जिसके बाद कर्णी सेना टीम के जीवन शेरपुर समेत 5 कार्यकर्ता अनशन पर बैठ गए थे। वहीं अब सरकार के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्णी सैनिकों का धरना प्रदर्शन समाप्त। 4 दिन से चल रहा था धरना प्रदर्शन। मंत्री अरविंद भदौरिया ने तुड़वाया अनशन। 21 में से 18 मांगों पर बनी सहमति। दरअसल कर्णी सैनिकों का 4 दिन से राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में कर्णी सैनिक शामिल हुए थे, जिनके समर्थन में अलग अलग जिलों में भी प्रदर्शन किए जा रहे थे। वहीं अब सरकार ने कर्णी सेना की 21 में से 18 मांगों को मान लिया है। साथ ही आरक्षण, एट्रोसिटी समेत 3 मांगों के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया शामिल है। इस मौके पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि सरकार कर्णी सेना की मांगों को लेकर गंभीर है, जिसके परिणाम आगामी समय में देखने को मिलेंगे। एक एक बिंदुओं पर विचार होगा। मैं तो भाई जीवन सिंह जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब मैंने कहा, उन्होंने कहा अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अकेले 22 सूत्री मांगे क्यों? आपके सामने मैं बात कर रहा था। आप 50 सूत्री मांगे, 60 सूत्री मांगों पर भी विचार किया जा सकता है, जो मध्य प्रदेश के हित में है, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में है, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हम सब लोग आपकी सेवा के लिए कर संकल्पित है। तो आपको कोई दुख तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए भी कोई कष्ट हुआ होगा। मुझे लगता है कि हमारे वाणी विभाग से और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के वाणी विभाग से संयमित भाषा में आपने भी रहे, संयमित आंदोलन आपने भी किया, तो ये समिति लगातार बैठेगी। आपको बता दें कि कर्णी सैनिकों को जम्बूरी मैदान पर एक दिन की अनुमति मिलने के चलते वे महात्मा गांधी चौराहे पर डटे हुए थे, जिसके चलते सुरक्षा में करीब 3,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। वहीं अब मांगों को मानने के बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।